तो अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम गाइस, कैसे हो आप सब। और आप देख रहे हो टेक असर, और आज हम लोग बात करने वाले कि कहाँ से लाएं व्यूज, हाउ टू गेट मोर व्यूज, ज्यादा से ज्यादा व्यूज आपकी वीडियोस पे कैसे लाएं। देखो वही वाले ट्रिक्स मैं आपको बताने वाला हूँ जो मैं अपनी वीडियोस पर अप्लाई कर रहा हूँ, और रिजल्ट्स आपके सामने कि मुझे किस टाइप का रिजल्ट मिल रहा है। आज की वीडियो को शुरू करते हैं। पहली बात, सबसे पहला टॉपिक हमारा ये आता है अच्छी SEO, अच्छी कीवर्ड रिसर्चिंग। जब तक अच्छी कीवर्ड रिसर्चिंग नहीं करोगे आपकी वीडियो रैंक नहीं करेगी, और अगर आपकी वीडियो रैंक नहीं करी सर्च में तो उस पर व्यूज आने के चांसेस काफी ज्यादा कम हो जाएंगे। मैं आपको ये सजेशन दूंगा कि ऐसे टॉपिक्स पर वीडियो बनाओ जिस पर बहुत ज्यादा कम वीडियोस हो, जैसे लोग उस टॉपिक को देखना तो चाहते हो, बहुत ज्यादा देखना चाहते हैं, लेकिन उस पर ना वीडियोस बहुत ज्यादा कम हो, मतलब डिमांड ज्यादा हो लेकिन कंटेंट वो कम। तो इसलिए आप वो वाली वीडियोस बनाओ तो लोग जैसे सर्च करेंगे आपकी वीडियो सर्च में रैंक करेगी, और जैसे वो रैंक करेगी और अगर आपकी वीडियो छोटी हुई तो आपकी वीडियो पे क्लिक करेंगे, अगर थंबनेल अट्रैक्टिव हुई तो आपकी वीडियो पे क्लिक करेंगे और आपके व्यूज से ज्यादा बढ़ेंगे, और अगर कंटेंट अच्छा हुआ तो पूरी वीडियो को देखेंगे और इससे वीडियो वायरल होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, और अगर वायरल हो गई वीडियो तो फिर तो व्यूज की बारिश ही हो जाएगी एक तरह, अगर अच्छा कंटेंट हुआ तो। बात की SEO की, अच्छी SEO, अगर आपको SEO करने नहीं आते, टैग वगैरह लगाने नहीं आते, तो आई कार्ड पे ऊपर एक वीडियो आ रही होगी, आप उसको जाके वॉच कर सकते हो, लेकिन पहले इस वाली वीडियो को देख ले, उससे ज्यादा है हमें। इसलिए अभी जैसे मैंने कीवर्ड रिसर्चिंग में आपकी बात की एक थंबनेल, जब तक आपकी थंबनेल अच्छी नहीं होगी भाई, इसलिए क्योंकि जब तक थंबनेल अच्छी नहीं होगी व्यूज नहीं आएंगे। अगर आप इतना बड़ा सा उस पर लिख दोगे हाउ टू गेट मोर व्यूज, तो भाई कौन क्लिक करेगा। रेड कलर का बैकग्राउंड, किसी कलर का बैकग्राउंड लगा दिया भाई, जब तक थंबनेल पे मेहनत नहीं कर, शायद चांसेस है कि आपकी वीडियो वायरल हो भी जाए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि भाई ऐसे कोई भी क्लिक कर देगा आपकी वीडियो पे। ऑडियंस तभी सिलेक्ट कर लेती कि भाई इस वाले बंदे की क्वालिटी कैसी होगी, थंबनेल से वो चेक कर लेती कि भाई इस वाले बंदे की क्वालिटी कैसी होगी वीडियो। अगर थंबनेल ही बेकार होगी तो क्लिक ही क्यों करेंगे आपकी, और अगर वो आपकी वीडियो पे क्लिक नहीं करेंगे भाई आपका CTR भी गिरेगा। अगर CTR नहीं पता तो लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, ऊपर आई कार्ड पे वीडियो आ रही होगी, वो जाके देख लो। लेकिन पहले फिर भी ये बात कह रहा हूं कि इस वाली वीडियो को पहले देख लो, इसलिए इनके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब तक आप थंबनेल अच्छी नहीं करोगे CTR नहीं बढ़ेगा, और जब आपकी वीडियो पे लोग क्लिक ही नहीं करेंगे तो भाई जब तक थंबनेल अच्छी नहीं होगी लोग क्लिक ही नहीं करेंगे, सारी बात आके अटकती है थंबनेल पे। जब तक थंबनेल अच्छी नहीं होगी तब तक आपकी वीडियो पर कोई भी क्लिक नहीं करेगा। वीडियो में आपने बहुत ज्यादा अच्छी क्वालिटी पूरी जान डाल दी उस वाली वीडियो में, लेकिन फिर भी अगर थंबनेल अच्छी नहीं होगी, थंबनेल पे मेहनत नहीं करोगे। मैं हर वीडियो में इसलिए थंबनेल पे इतना ज्यादा जोर देता हूँ क्योंकि मैंने खुद ट्राई करके देखा है, आप मेरी पुरानी थंबनेल देख लो, उन पे किसी पर भी इतने ज्यादा व्यूज नहीं है। इस कंटेंट में मैंने थोड़ी बहुत मेहनत तो की थी, लेकिन फिर भी उसमें उसके मैंने थंबनेल्स पे मेहनत नहीं की थी, क्योंकि मैं एक दिन में दो दो वीडियोज अपलोड करता था। तो इसलिए भाई भले 3 दिन में एक वीडियो अपलोड करो, एक हफ्ते में 2-3 वीडियोज अपलोड करो, लेकिन भाई आप अच्छी से अच्छी थंबनेल बनाओ, मेहनत करो उस वाली वीडियो पे ज्यादा। डायरेक्टली हम लोग चले थे हमने थर्ड और लास्ट वाले टॉपिक की तरफ, और ये जो लास्ट वाला टॉपिक है इसको लाजमी देख लेना क्योंकि सबसे ज्यादा है हमें। तो सबसे लास्ट पॉइंट, सबसे मेन पॉइंट है, अगर आपने यहाँ तक वीडियो नहीं देखी तो किसी काम की ये वाली वीडियो आपके लिए नहीं है, क्योंकि ये थंबनेल वगैरह तो सब कुछ बताया था, लेकिन आपको जो अभी मैं टिप देने वाले हूँ कोई भी नहीं बताता कि भाई कंटेंट को अच्छा करो। ये तो सब बोल देते हैं कंटेंट को अच्छा करो, मैं भी ये बोल रहा हूँ कंटेंट को अच्छा करो, इसलिए कि हम लोग सिर्फ आपको बोल सकते हैं, मेहनत आपने करनी है, मेहनत आप करोगे तभी आपका कंटेंट अच्छा बनेगा। जब तक खुद सेटिस्फाइड नहीं हो जाओ उस कंटेंट से, उस वीडियो से, तब तक उस वाली वीडियो को पब्लिश मत करो। इतना एक्साइटेड मत हो कि भाई मैं यूट्यूब पे पहली वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, नहीं आने वाले व्यू, पहली वीडियो पे वैसे भी व्यू आपके नहीं आते हैं, इसलिए डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है। लेकिन भाई मैं आपको पहले बता दूं कि जब तक आप खुद सेटिस्फाइड नहीं होते, जब तक आपको वीडियो बहुत ज्यादा अच्छी ना लगने लगे, जब तक उसकी वॉइस क्वालिटी, थंबनेल वगैरह सब कुछ अच्छी ना लगने लगे, तब तक आप उस वाली वीडियो को पब्लिश मत करो। और भाई सबसे अहम टिप भाई, अगर आपकी 2 मिनट की बात है तो उसको 2 मिनट में ही, अगर 2 मिनट की बात को 10 मिनट तक खींचोगे तो भाई आपके व्यूअर्स आपको छोड़ के चले जाएंगे और बोलेंगे भाई ये तो इतना स्लो बनता है, कमेंट में गालियां देके चले जाएंगे, ना आपको चैनल सब्सक्राइब करेंगे, ना आपकी वो रिटर्निंग ऑडियंस, कोर ऑडियंस आपकी बन पाएगी। इसलिए भाई कंटेंट जो ज्यादा से ज्यादा जितना शॉर्ट हो सके। देखो अब आपने, मैं आपको एक मिसाल दे दूं, आप जैसे आप सर्च करते हो हाउ टू अर्न मनी, अब जिसकी वीडियो सबसे ज्यादा छोटी हो आप उसी वाली वीडियो को ओपन करते हो ना, इसलिए भाई आप अपनी वीडियो को शॉर्ट कर, जो भी आप चीज करे वो अपने ऊपर रख के करो कि भाई अगर मैं होता तो मैं क्या करता, क्योंकि आप भी पब्लिक में ही आते हो, जो आप सर्च करोगे वही पब्लिक भी करती है। तो इसलिए भाई मेरी सजेशन रहेगी कि वीडियो को शॉर्ट मैं खुद नहीं करे, बल्कि यूट्यूब खुद कहते हैं यूट्यूब की वीडियो को जितना आप शॉर्ट रखोगे उतना ज्यादा उसके व्यूज बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। मैं यूट्यूब शॉर्ट्स की बात नहीं कर रहा है जो 1-1 मिनट की, ये तो बिल्कुल भी आप नहीं, क्योंकि इससे आपकी कोर ऑडियंस नहीं बनेगी, भले इस पर 4-5 लाख व्यूज भी आ जाए तब भी सब्सक्राइबर 1000 या 2000 के सब्सक्राइबर आपके पास इससे नहीं आते। मुझे यूट्यूब पर शॉर्ट्स वीडियो होती है, मतलब जिसे 2-3 मिनट की जो वीडियो होती है, 5 मिनट की, 10 मिनट की जो वीडियो, इन वाली वीडियोस की बात कर रहा हूँ। फिर इस वीडियो को भी ज्यादा लंबा ना करते हुए बस इस साइड पर जो आ रहे हैं कर देना, और बेल आइकन पे लाजमी क्लिक कर लेना कि आगे ऐसा कंटेंट बहुत ज्यादा आने वाला है। और हाँ यार, इंस्टाग्राम पे फॉलो मस्ट, और भाई को दुआ में याद रखना है। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।